वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर अमरेथा, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दर्शन करेंगे मंदिर के। बहुत गर्म है, ये पूरे पूरे क्या ना लग रहा है कि पैर जल रहा है। जल्दी जल्दी भागते हैं। ओह शिट, ये है वेंकटेश्वर स्वामी टेंपल और यहाँ पे जो कारपेट बिछाया गया है ना, इसको पानी से भिगोया गया है ताकि गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो। अंदर से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूरी तरह से वैंडेड है, अंदर अलाउ नहीं करते। अब निकलते वक्त एक बार थोड़ा सा देख लेंगे इधर, और इधर ही बगल से दिख रहा है जो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल। वो बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। पूरा का पूरा समंदर, बहुत खूबसूरत व्यू। स्वामी मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित, विष्णु भगवान के मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा खासा वातावरण और समुंदर किनारे, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मिलता है समुंदर का। पिछले हिस्से में देखें, देखने आए कन्याकुमारी के ही दर्शन साई मंदिर के। वाई फियर हुए नाम ही है, साईनाथ ने बोला है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन मंदिर एक साथ है यहाँ पे। अंदर से फोटोग्राफी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, तो अंदर से फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है, अलाउ नहीं करते। अंदर से दर्शन करके आ गए, अभी बाहर थोड़ा थोड़ा देख रहे थे मंदिर। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और एक एक मूर्ति उसके अंदर बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया, एक एक मूर्ति इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है
मैंने चुप चुप के कुछ फ़ोटो खींच लिए, उसको बाद में ऐड कर दूंगा। सच में उसके एक मूर्ति का कान को भी छेद कर दिया गया एक तरफ से दूसरी तरफ तक के लिए, वाओ। बाद में बताएंगे इसके बारे में और कुछ। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है फिलहाल। एक खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया। एक खूबसूरत सा बीच, सनसेट पॉइंट भी कहते हैं कन्याकुमारी का। बट सनसेट अच्छे से दिखेगा नहीं कि सन तो दूसरी तरफ सेट हो रहा है और ये समुंदर इधर है, सनसेट इधर कहाँ दिखेगा ना। समुंदर के ऊपर पानी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता सनसेट होता तो मज़ा आता। ये सनसेट पॉइंट एक्चुअली सनसेट पॉइंट नहीं है, ये सनसेट पॉइंट और 1 किलोमीटर आगे है, पर वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर सूरज ही डूब जाएगा, सनसेट हो जाएंगे। समुंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है।